Start with the name of Allah. May Allah bless all of us. Farina Muhammad with you. Today our topic is midday meal scheme. पहले हम इसका historical background जानते हैं. Midday meal scheme in India ये कैसे promote करती है equality को, जो आपके 7th की book में हमें पढ़ना है. तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐसे है. इन द ईयर 1960 व्हेन तमिलनाडु सीएम के कमराज नोटिस्ड अ बॉय हर्डिंग कैटल इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल ही आस्क्ड हिम व्हाई द बॉयज रिस्पांस गेव बर्थ टू अ मिड डे मील स्कीम. 1960 में क्या होता है, तमिलनाडु के सीएम चीफ मिनिस्टर के कमराज जिनका नाम है, उन्होंने एक बच्चे को मवेशी पालते देखा, रास्ते में जा रहा था. तो इस सीएम चीफ मिनिस्टर कमराज ने बच्चे से पूछा कि उसको तो स्कूल जाना चाहिए, मवेशी क्यों पाल रहे हो. तो बच्चे का रेस्पॉन्स क्या था, भूखे पेट कैसे पढ़ा जाएगा. जिसकी वजह से, बच्चे के इस रेस्पॉन्स की वजह से, जो तमिलनाडु के सीएम के कमराज थे, इन्होंने मिड डे मील स्कीम किया तमिलनाडु में. तो ये तो था ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिड डे मील स्कीम का. फिर क्या होता है इस मिड डे मील स्कीम में, अंडर दिस प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है, फ्री कुकड लंच इज प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स. इस स्कीम में क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री खाना मिलता है बच्चों को. जैसे कि हमने अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, तो तमिलनाडु में इसको स्टार्ट किया गया इन 2001. इसको पहले ही स्टार्ट किया गया इन तमिलनाडु 1983. फिर बाद में इन 2001 स्टेट गवर्नमेंट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम. तो हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत ने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को ये नोटिस जारी किया कि वो ये प्रोग्राम जो है इसको इम्प्लीमेंट करे हर एक स्टेट में, क्योंकि तमिलनाडु में इस मिड डे मील स्कीम चालू करने से बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया. पढ़ाई में बच्चों का स्कूल जाने का जो रेशियो था वो बढ़ गया. जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए इससे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स निकाले कि सारे स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, ये स्कीम चालू करें. अब ये प्रमोट कैसे करता है इक्वेलिटी ये मिड डे मील स्कीम, ये भी हम जानते हैं. फर्स्ट, टू रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों की भूख मिटाते हैं. इसमें न्यूट्रिशनल फूड मिलता है, प्रोटीन रिच फूड मिलता है, जो कि बच्चों के ग्रोथ के हिसाब से इसका मेनू भी बनाया जाता है. तो इक्वेलिटी को यहाँ कैसे प्रमोट करते हैं, गरीब बच्चे तो अपर कास्ट के भी हो सकते हैं. खाना बनाने के लिए इस मिड डे मील स्कीम में लोअर कास्ट यानी कि दलित्स को रखा जाता था, और स्वीपर्स, बर्तन धोने के लिए, झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए कौन थे, सफाई करने के लिए, बर्तन धोने के लिए, साथ में लोअर कास्ट दलित्स वुमेन, जो इनडायरेक्टली अपर कास्ट बच्चों को खाना खिलाते थे. तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट की तरफ से टू प्रमोट इक्वेलिटी. यहाँ पे जो कास्ट रिजिडिटी है इंडिया में,
वो नहीं पाई जाती है इस स्कीम में, क्योंकि इस स्कीम में जो लोअर कास्ट के वुमेन्स होती है वो ज़्यादातर अपॉइंट होती है एज कुक, जिसकी वजह से वो खाना खिलाती है अपर कास्ट के बच्चों को। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है टू प्रमोट इक्वेलिटी। और जिसमें लोअर कास्ट या हायर कास्ट के बच्चे एक साथ खाते हैं, एक जैसा खाना मिलता है, ये भी एक स्टेप है टू प्रमोट इक्वेलिटी। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। थैंक्स।